बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर हर साल एक ही जगह पर मछलियों की बारिश होती है? और क्या आपने कभी ऐसे पिरामिड को देखा है जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? इन पिरामिड के ऊपर इतने बड़े पत्थर को किसने रखा और ये इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कैसे? तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे फिनोमेना के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने अब से पहले कभी नहीं सुना होगा। और इन्हीं 10 फिनोमेना में से एक फिनोमेना ऐसा भी है जिसमें एक जगह पर सैतूत के पेड़ में से हमेशा झरने की तरह पानी बहता ही रहता है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को, टॉप 10 नेचुरल फिनोमेना इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद है तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 10, लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर से गुजरने वाले पक्षियों को ये पत्थर का बना देती है। जी हाँ गाइस, आपने आज से पहले ऐसा कभी नहीं सुना होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षियों के स्टैचू देखने को मिल जाएंगे। जो पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे और वो पत्थर बन गए, कोई भी इस झील के बारे में आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स झील में गिर के पत्थर का क्यों बन जाते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लेक के रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें अपनी तरफ खींचा होगा और इन बर्ड्स के पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा और नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडीज पत्थर में बदल गई होंगी। तो गाइस, क्या आपने अब से पहले कभी ऐसे फिनोमेना के बारे में सुना था? इसके लिए वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। नंबर 9 पर है हेल स्टॉर्म। बारिश के समय में कभी कभी ओले गिरते हुए तो आप सभी ने देखे ही होंगे और उस टाइम पर आपने काफी एंजॉय भी किया होगा। लेकिन 8 फरवरी 2018 को अर्जेंटीना में एक ऐसी घटना हुई जिसे देख के पूरी दुनिया डर गई। यहाँ पर शाम के समय हल्की बारिश होना शुरू हुई और उसी के साथ ही साथ छोटे छोटे ओले भी पड़ रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद ही इन छोटे छोटे ओलों ने अपना एक आक्रामक रूप धारण कर लिया और तेज हवा के साथ साथ एक टेनिस बॉल जितने बड़े ओले गिरने लगे। ये ठोस ओले इतने बड़े थे कि अगर ये ओले किसी के सर में भी लग जाए तो उसका सर ही फट जाए। ये ओले जहाँ पर भी गिर रहे थे वहाँ पर इनकी वजह से भारी नुकसान ही हो रहा था। कुछ गाड़ियों का तो इतने बड़े ओलों की वजह से कांच के शीशे भी टूट गए। बहुत से लोगों को चोटें भी आई और कुछ लोगों को सीरियस इंजरीज भी हुई। ऐसी घटना दुनिया में कई बार देखी जा चुकी है, लेकिन उन जगहों पर अर्जेंटीना जितने बड़े ओले कभी नहीं देखे गए। नंबर 8, गुल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर दो समुद्र मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, जैसा कि आप अभी वीडियो में देख ही रहे होंगे, जिसमें एक साइड का पानी नीले रंग का है और दूसरे साइड के पानी का रंग हल्का नीला है जो कि गंदा पानी जैसा लग रहा है। इस समुद्र में आप आगे भी चलते चले जाओगे तो भी ये समुद्र आपको आपस में मिलते हुए नहीं दिखाई देंगे। इन दोनों समुद्र में जो पानी ग्लेशियर से निकलता है उस पानी का कलर हल्के नीले रंग का होता है जो कि कुछ हद तक गंदे पानी की तरह दिखाई देता है, और जो पानी नदियों से समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर्स का मानना है कि इस जगह पर खारे और मीठे पानी का होना और टेम्परेचर का अलग होना यही खास वजह है जो कि दोनों समुद्रों को आपस में नहीं मिलने देती। ये पूरा बॉर्डर 800 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे बॉर्डर पर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर ये दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हो। नंबर 7 पर है नॉर्वेगियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियाँ नॉर्थ नॉर्वे के किनारे पर मरी हुई मिली और ये सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब भी हो गई। ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ इसके बारे में आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस घटना को अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताया, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियाँ किनारे पर आकर कैसे मर गई और वो सारी के सारी मछलियाँ वहाँ से रातों रात गायब कैसे हो गई। 2009 में एक 2012 नाम की मूवी रिलीज हुई थी जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और ये इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी, तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन सभी मछलियों का पीछा किया होगा जिसकी वजह से ये मछलियाँ किनारे पर आकर मर गई होंगी। तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया है। नंबर 6 पर है रिंगिंग रॉक। पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक राइस में चट्टानों से
हुआ क्षेत्र है और इसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये चट्टानें यहाँ पर क्यों और कैसे आई। ये चट्टानें इसलिए लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि इन चट्टानों पर चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल की तरह आवाज आती है और यहाँ की हर चट्टान की अपनी एक अलग आवाज है। और सूखा है।
पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जब जमीन को काटती है तो उस समय ये ऐसी चट्टानें बनती हैं। ये चट्टानें ऐसी जगह पर होती हैं जहाँ तेज हवा भी इन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इन पहाड़ों को पिरामिड जैसी शेप देने में इन बड़े बड़े पत्थरों का खास रोल होता है, क्योंकि ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं और इनके ऊपर बड़ा सा वजनी पत्थर होने की वजह से जब तेज बारिश में यहाँ की मिट्टी कटती है तो उतनी जगह की मिट्टी कटती है जिस जगह पर बड़ा और भारी पत्थर नहीं रखा होता है, और वो मिट्टी कटते कटते इतना ज्यादा हो जाती है कि वो पत्थर ऊपर उस चट्टान पर ही रखा रह जाता है जिससे इन फिनोमिनास की रचना होती है। तो गाइस फाइनली अब बात करते हैं नंबर वन फिनोमिना के बारे में, जिसमें नंबर वन पर है फिश रेन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना ही होगा और इससे रिलेटेड वीडियोस भी आपने सोशल मीडिया पर या फिर तो आपने यूट्यूब पर जरूर देखी ही होगी। ये कोई नई बात नहीं, लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर कोई एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पर पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है। ये जगह मेक्सिको के पास स्थित है। यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूखे मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी तो उसकी दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ ऐसा वाटर स्पॉट की वजह से होता है, क्योंकि ये वाटर स्पॉट समुद्र पर बनते हैं। समुद्र के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पॉट समुद्र से उड़ता हुआ ऊपर बादल में चला जाता है और ये बारिश की तरह उस जगह पर बरसते होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस शहर में एक ही जगह पर बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जीव इस जगह पर क्यों नहीं गिरते, जैसे मेंढक, केकड़ा और भी समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। इसीलिए ये जगह आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। वैसे गाइस आपको इन सभी फिनोमिनास में से सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा लगा, और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है या कभी इसके बारे में सुना है, ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या आपको इन नेचुरल फिनोमिनास की वीडियो का पार्ट 2 चाहिए, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिससे कि उन्हें भी दुनिया के इन टॉप 10 फिनोमिनास के बारे में पता चल सके। और गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को